हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी मतलब एक एरे को रीशेप कर सकते हैं किसी दूसरी शेप में। यानी कि गाइस, मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो एक 16x1 का एरे है। तो ये मैंने नंपाई की हेल्प से कुछ रैंडम नंबर जनरेट करे हैं। यानी कि मेरे पास यहाँ पर 16 रोज हैं और सिंगल कॉलम है। तो जब मैंने ये नंबर जनरेट करे तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज प्रिंट करा दी उनकी। अब हमें गाइस इसे सपोज करो मुझे इसे डिवाइड करना है 4 कॉलम्स और 4 रोज में, यानी कि एक 4x4 की मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं यार कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, री शेप वैल्यूज। और यार अब हम यूज करेंगे नंपाई का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनपी डॉट, और यहाँ पर नंपाई में एक फंक्शन होता है री शेप। रीशेप के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे जिस एरे को आपको रीशेप करना है वो एरे का नाम पास करना है। लाइक यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज नाम का एरे है तो मैंने उसका नेम पास कर दिया। और इधर आपको शेप पास करनी है, जो भी कुछ आपको शेप चाहिए वो आपकी टपल की फॉर्म में आपको शेप पास करनी है। अभी आप प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरे पास सिंगल मैट्रिक्स थी 16x1 की, वो कन्वर्ट हो चुकी है 4x4 की मैट्रिक्स में। तो गाइज ये था हमारे पास रीशेप फंक्शन का यूज। अब इसमें आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, लाइक 16x1 इज 16, दैट मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, दैट इज 4x4 16। सपोज अगर मैं यहाँ पर 16x2 कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास 16 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो गाइज मेरे पास में यहाँ पे 32 वैल्यूज जनरेट हो गई हैं। लेकिन अगर सपोज करो अब मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, मीन्स मैं इस डाटा को 4x4 में ही शेप करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एरर आ चुकी है, वैल्यू एरर, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 32x शेप 4x4। यानी कि 32 वैल्यूज को आप 16 वैल्यूज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि यार गलत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ सपोज 8x4, तो अब ये कोई भी एरर शो नहीं करेगा, बिकॉज इसका प्रोडक्ट हो गया 32, 8x4 इज 32 एंड 16x2 इज 32। तो यार ये बात ध्यान रखना, जो भी कुछ यहाँ पर आपने शेप दी है उसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।